हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रोनस। ड्रोनस की इस क्लास में आपको सभी लोगों को स्वागत है और सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप लोग जल्दी जल्दी इस क्लास में ज्वाइन हो जाओ। ये क्लास को मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ और ये क्लास आप लोगों को पता है, ये क्लास एवरीडे ये क्लास होता है रात को 8 बजे। तो आज ये जो क्लासेस आगे होगा, ये क्लास आगे होगा आपको 24th आपका नवंबर का क्लास, जो एवरीडे 8 बजे आपका होगा। और ये क्लास एवरीडे इस ड्रोनस के चैनल्स में आपको यूट्यूब में देखने मिल जाएगा। आपको डेली करंट अफेयर्स क्लास इस तरह से आपको एवरीडे, जिस तरह से आप लोग क्लास इसको लाइव करते हो उस तरह से आपको बाद में इसको रिकॉर्डेड क्लास को आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो चलो हम लोग ये सेशन आज का क्लास जो सेशन इसका स्टार्ट करते। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दे देता हूँ। यह है ड्रोनस ऐप। इस ड्रोनस ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस ऐप को डाउनलोड करने से आप लोग को बहुत फायदा है, क्योंकि इस ऐप से जरिए से आप लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जिस तरह से कौन सा एग्जाम्स होने वाला है, कौन सा एग्जाम ऑलरेडी हो गया है, उसका रिजल्ट कब आएगा, तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस ऐप से जरिए से मिल जाएगा। और इसके साथ साथ ये ड्रोनस के जरिए से जितना जो अभी अपडेट, जिस तरह से मॉक टेस्ट कब होगा, सब कुछ क्या होगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इस ऐप के जरिए से। तो जिन जिन कैंडिडेट्स ऑलरेडी ऐप को डाउनलोड कर चुके हो, सबको वेरी वेरी थैंक यू। अभी तक जिसने ऐप को नहीं डाउनलोड कर चुके हो तो मैं बोलूंगा तो जल्दी जल्दी इसको ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग ये क्लास आज का जो 24 नवंबर का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलो सभी भाई कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि हम लोग इस क्लास के अंदर से सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स को नहीं जानते, इसके साथ साथ इसको एलाबोरेटली हम जानते हैं, उससे और क्या क्वेश्चंस पूछ सकती है ये भी हम लोग जान लेते इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सब लोग को ओके, एकदम किसी को डाउट और दिक्कत नहीं है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो चलो आज के क्लास का पहले जो क्वेश्चन पूछे जाएगा, आज के क्लास का पहले वाला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखो बोला है द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस द एग्जीबिशन ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट फॉर्म में ICT बोला जाती है, इसमें क्या लिखा है, कनेक्ट 2021 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें देखो चार ऑप्शन से क्या क्या, FICCI, ऑप्शन बी में CII, ऑप्शन सी में है NPCI एंड ऑप्शन डी में है ASCOM। तो इसमें कौन सा आपका सही आंसर आएगा, इसमें आपको आप लोग कोशिश कीजिए आपका सही आंसर देने के लिए। तो मैं आपका सही आंसर इसके मैं बोल देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा आपका CII, मतलब ऑप्शन बी होगा इसका राइट एंड करेक्ट आंसर। और इसके साथ साथ हम लोग और क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये देखो आप ये स्क्रीन के अंदर ये आप देख पा रहा हो, ये इन्फॉर्मेशन बोला है द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CIR व्हिच ऑर्गेनाइज इट्स द फ्लैगशिप इवेंट द कनेक्ट 2021 फ्रॉम नवंबर 26 to 27 इन चेन्नई तमिलनाडु, कनेक्ट टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन द इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, मतलब कौन सा मिनिस्ट्री से होता है, ये होता है आपका इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होता है। इसका इस साल का थीम क्या था, इसका थीम था बिल्डिंग अ सस्टेनेबल डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। तो देखो फिर टेक्नोलॉजी का जो ये जो स्पेलिंग है ये खूब नया तरीका से लिखा गया है, तो ये आपका इस साल का भी थीम है, कौन सा ना ये CII इतने किया है, तो ठीक है। तो मेरे ख्याल से सब लोग को क्लियर हो चुका है इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकती है। और इसके साथ साथ और कुछ भी क्वेश्चन मैं जरूर आप लोगों को मैं बोल दूंगा, जैसे जिस तरह से ये कॉन्फेडरेशन जो आपका है फुल फॉर्म मतलब CII का कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, इससे भी आप लोग को 2-3 क्वेश्चन पूछ सकती है क्या क्या। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग को मैं क्लियर कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए नंबर 1 में आएगा क्वेश्चन के अंदर जो ये जो CII है, CII कब फॉर्म हुआ है, CII established हुआ है कब, established हुआ है in the year of 1895 में, ठीक है। और इसके साथ साथ ये अभी एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड आपका एसोसिएशन है, जहाँ का इसका हेडक्वार्टर कौन सा कहाँ पर है, हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं। हेडक्वार्टर आपका है न्यू दिल्ली के अंदर, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर इसके हेडक्वार्टर। उसके साथ साथ और भी पूछा जाएगा, इसका अभी प्रेसिडेंट कौन है, जब प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग लिख लीजिए इसका नाम है TV नरेंद्रम, कौन है, लिखे TV नरेंद्रम, ओके। और इसके साथ और एक क्वेश्चन ये भी आप लोग को इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर जनरल इसका कौन है अभी, तो डायरेक्टर जनरल है इसका लिखिए चंद्रजीत बैनर्जी, ओके। तो ये है आपका अभी डायरेक्टर जनरल। तो ये चारों क्वेश्चंस आप लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा इस जरिए से, तो इसका आपको सही आंसर मिल गया CII, ओके। और इसके साथ साथ ये जो पिक्चर दिख रहा है ये आपका CII का पिक्चर है, जिसने ये इनिशिएटिव लेकर ये आपका कॉन्फेडरेशन स्टार्ट किया था, तो ये हो इसका आपका सही आंसर, ओके। तो चलो फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया हम लोग देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में जो चीज बोला गया है, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर बोला है, नेम द विनर ऑफ टाटा लिटरेचर लाइफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ 2021। तो इसमें देखो चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए में अनिता देसाई, ऑप्शन बी में है अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी में विक्रम सेठ एंड ऑप्शन डी में है सलमान रुश्दी। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप लोग बोलने के लिए कोशिश कीजिए, कौन सा आपका सही आंसर आएगा। तो मैं इसका सही आंसर मैं बोल देता हूँ, इसका आएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है अनिता देसाई इज द राइट आंसर। और इसके साथ साथ हम लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा हम लोग थोड़ा देख लेते। इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा जो आपको स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहा है, इंडिया वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर अनिता देसाई हैज बीन द कॉन्फर्ड with the Tata Literature Life Lifetime Achievement Award for 2021 to recognize her long literacy career with the span over 50 years. Meanwhile, the Poet Literature Award 2021 has been conferred upon India poet and Adil, कौन है आदिल जुस्सा वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, कौन सा पोएट ना आदिल जुस्सा वाला, इसको आप लोग जरूर को देखना पड़ेगा। Both these awarded are presented by the recognized exceptional work which the made a significant impact in Indian literacy field. दो इंडियन लिटरेचर फील्ड पर ये काम करेगा तो इसके ऊपर ये बुक लिखा गया था। ठीक है, तो सब लोग को क्लियर हो चुका है। और इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन अब मैं आपको दे देता हूँ, ये जो अरुंधति रॉय है, अरुंधति रॉय को सबसे पहले इंडिया से सबसे पहले ये बुकर प्राइज अवार्ड मिला गया था। क्या मिला गया था? बुकर प्राइज। तो ये बुकर प्राइज कब मिला गया था, क्वेश्चंस पूछ सकती है। तो मिला गया था इन द ईयर ऑफ 1997 के अंदर, और किसके बुक के ऊपर, जब बुक का बात बोला जाएगा, ये बुक नहीं होगा, ये होगा आपका नोबेल। तो नोबेल इसका नाम है, लिखो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ओके, कौन सा होगा नोबेल? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, तो सभी लोग को क्लियर हो चुका है एकदम, किसी को डाउट और दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ ये पिक्चर आप देखोगे, ये जो पिक्चर है आपको तो दिक्कत नहीं मालूम रहेगा किसका पिक्चर है, ये आपका पिक्चर जो है द पोएट ऑफ आदिल जुस्सा वाला, जो जिसने इसको आपको लिखा है बुक। ओके, क्लियर ईच एंड एवरीवन, सबको क्लियर हो चुका है। तो चलो फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोला गया है सो देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हिच प्लेयर हैज ओन द मेन सिंगल्स टाइटल एट 2021 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो इसमें देखो चार ऑप्शन है, क्या सी क्यूकी, ली दान, विक्टर एलेक्सन एंड केंतो मामोता। तो इसमें जो सही आंसर आएगा आप लोग जरूर आपको चैट बॉक्स के अंदर फटाफट आप लोग बोलिएगा कौन सा राइट एंड करेक्ट आंसर। और इसके साथ साथ मैं इसका थोड़ा करेक्ट आंसर मैं आपको बोल देता हूँ, ये होगा आपका ऑप्शन डी, कौन सा होगा नाउ केंतो मामोता होगा इसका राइट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, तो आपको करेक्ट आंसर मिल गया एकदम। और इसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा आप लोग देखो, तो जिसमें आपको स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहा है, बैडमिंटन द केंटो मामोटा जापान द बेस्ट द एंडर्स एंटरसन ऑफ डेनमार्क, जिसको हरा है डेनमार्क का बंदा है, 21-17, 21-11 विन टू द मेन सिंगल टाइटल्स एट द 2021 इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट। द यूएस आपका $600,000 टूर्नामेंट विल बी हेल्ड द बाली इंडोनेशिया फ्रॉम द नवंबर 16 टू 21 this year. आप उसके साथ साथ ये भी आप लोग इन्फॉर्मेशन जान लो, द वुमेन सिंगल्स एंड द येशुंग ऑफ द साउथ कोरिया, कहां सा है ना ये सियोंग, ये आपका साउथ कोरिया वाला है, डिफीटेड द टॉप स्पीड द कौन ना एल्की यामाची ऑफ जापान, जिसको हराया कौन सा है, एल्की यामागुची को हराया जापान का है, कब ना एक किस तरह से हराए, 21-17 और 21-19 से यह हराए आपको दिस टाइटल में। मतलब इसमें आपको दोनों आंसर मिल गया है, मेन का भी मिल गया आपका सिंगल्स, वुमेन का भी सिंगल्स में मिल गया। ओके, तो मेरे ख्याल से सब लोग को क्लियर हो चुका है, किसी को डाउट और दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ एक चीज, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये किसका पिक्चर है, ये केंतो मामोता पिक्चर है, जो केंतो मामोता जापान का है, जो इस चैंपियन में इस इंडोनेशियन मास्टर्स में चैंपियन हुआ है। ओके, मेरे ख्याल से सब लोग को क्लियर हो चुका है। तो चलो फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोला गया हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में बोला गया है, व्हिच कंट्री हैज सेट द गिनीज रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा। तो इसमें देखो चार ऑप्शन है, वेनेजुएला, ऑप्शन बी में अर्जेंटीना, ऑप्शन सी में है चिली एंड ऑप्शन डी में इक्वेडर। तो मेरे ख्याल से आप लोग कोशिश करो और बोलो इसमें सही आंसर कौन सा आने वाला है, तो आप लोग कोशिश करो। तो इसका जो सही आंसर रहेगा मैं ही आपको थोड़ा बोल देता हूँ, इसका होगा आपका ऑप्शन ए होगा, वेनेजुएला होगा इसका राइट एंड करेक्ट आंसर। और इसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन हमको पढ़ना पड़ेगा हम लोग थोड़ा देख लेते। इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा तो देखो जो इम्पोर्टेंट है इसमें, Venezuela has the new the Guinness World Record for the largest orchestra, 8,573 musicians playing the together more than 5 minutes. मतलब
5 मिनट के लिए बना ये हुआ था. दिस रिकॉर्ड वॉज द सेट बाई द कंट्री नेशनल सिस्टम ऑफ यूथ एंड चिल्ड्रंस ऑर्केस्ट्रा. किसने इसको सेट किया? तो ये है आपका सेट किया जो ऑर्गेनाइजेशन नोन एज, इसको क्या बोला जाती है? नोन एज एल सिस्टेमा. क्या बोला जाता है? एल सिस्टेमा भी बोला जाती है. द प्रीवियस सर्चर्स रिकॉर्ड एन ऑर्केस्ट्रा मेड बाई रशिया व्हेन 8097 म्यूजिशियंस प्लेड टुगेदर सेंट पीटर्सबर्ग. इसके पहले भी रिकॉर्ड हुआ था, इसको रिकॉर्ड को तोड़ करके वेनेजुएला चैंप इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया. तो पहले हुआ था रशिया के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर. ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो चुका है, किसी को डाउट और दिक्कत नहीं है. तो चलो फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जान के. पहले एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ. ये देखो वेनेजुएला में इतना सारा ऑर्केस्ट्रा प्लेयर एक साथ में बजा रहा है, कितना? 8573 ऑर्केस्ट्रा म्यूजिशियंस. ओके, मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है. ओके फाइन, अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के पहले कब लोग को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ. द्रोणस के जरिए से ऑलरेडी मॉक टेस्ट का वाला जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, और इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है द्रोणस के जरिए से. तो इसमें आपको देखो WBSI, KPSI, कॉन्स्टेबल इवेंट्स, वायरलेस ऑपरेटर, सब लोगों का भी एक अभी कुछ मतलब ये मॉक टेस्ट वगैरह कुछ चल रहा था. और बाकी में जो जो नया भी एग्जाम आएगा उसका भी मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा वेरी फास्ट. तो आप लोग को जानकारी के लिए आप लोग काम कीजिए, लॉग इन कीजिए www.dronas.com के अंदर. और उसके साथ साथ आप एक काम कीजिए, ये जो मेरा जो स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन के नीचे में आपको दो नंबर मिल जाएगा देखने के लिए. इस नंबर को आप लोग जरूर कॉल कीजिएगा, तो आपको ज्यादा जानकारी इसमें आपको मिल जाएगा. क्लियर एकदम? तो चलो फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर. तो 5 वाला क्वेश्चन क्या बोला है हम लोग थोड़ा देख लेते. 5 वाला क्वेश्चन बोला गया है बोटिया बदाना फेस्टिवल सेलिब्रेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. तो जिसमें देखो चार ऑप्शन आपको मिल रहा है, कौन सा? कर्नाटका, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी ओडिशा. तो इसमें आपको कौन सा करेक्ट आंसर लग रहा है आपको थोड़ा देखकर बोलना पड़ेगा. तो आप लोग कोशिश कीजिए आंसर देने के लिए करेक्ट आंसर. तो इसके साथ साथ मैं इसका अभी करेक्ट आंसर मैं बोल ही दूंगा. तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन डी होगा आपका, ओडिशा होगा आपका राइट एंड करेक्ट आंसर. ठीक है, और इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दूं, इस क्लास को अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर इसको लाइक और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. उसके बाद आप लोग ज्यादा हो कमेंट भी कीजिए, क्योंकि मेरे क्लास का आफ्टर देखने के बाद जो रिकॉर्डेड क्लास होता है, जो कैंडिडेट रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं वो कभी कोई कमेंट नहीं करते हैं जो ये क्लास कैसे लग रहा है एक, और ये क्लास को और भी अच्छा करने से लिए और क्या क्या करना चाहिए वो फिर कमेंट करके बोलो. तो मैं सबका कमेंट मैं सुनूंगा, मैं सबका कमेंट देखूंगा. तो मैं कोशिश करूंगा ये सबका कमेंट को सुनकर ये काम करने के लिए. ठीक है, तो प्लीज सबको मैं बोल रहा हूँ आप लोग जरूर इसको लाइक और कमेंट भी कर दीजिए. ठीक है, तो चलो फिर इसके साथ साथ हम लोग और क्या इन्फॉर्मेशन जानकारी इसमें मिलेगा इसमें ऐसे हम लोग देख लेते हैं. इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, तो देखो क्या ऑन कार्तिक पूर्णिमा व्हिच आल्सो द बोटिया बंदना इज द सेलिब्रेट द वेरियस वाटर बॉडीज ऑफ ओडिशा. द फेस्टिवल इज बी मेरिटेन द ट्रेडिशनल दैट सेलिब्रेट आर टेस्टामेंट ऑफ द मेरिटाइम ट्रेड हिस्ट्री ऑफ कलिंगा. कहा से हुआ है? कलिंगा से. ये किसा हिस्ट्री है, ताल्लुक है इसके. द ट्रेड्समैन एंड मेरिन्स होल्ड द कौन सा सदावास ट्रेवल द ऑन बोटियस. तो इसको क्या बोला जाता है? बोट्स बोला जाता है इसको, वो लोग बोलते हैं बोटियस. ऑन द ट्रेड ऑफ डिस्टेंस आइलैंड नेशंस दैट शेयर द बॉर्डर्स द बे ऑफ बंगाल लाइक इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा एंड बाली. मतलब इधर से जाकर ये हम लोग ट्रेड करते हैं, वरना वाटर को फॉलो कर ट्रेड करते हैं. तो इसलिए इसको ये फेस्टिवल मनाया जाते हैं. कब मनाए जाते हैं? कार्तिक पुण्य के अंदर मनाया जाते हैं ये फेस्टिवल. इसका नाम है बोटिया बंदना. ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब लोग को क्लियर हो चुका है. और इसके साथ साथ एक पिक्चर भी देख लो तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा. ये जो पिक्चर देखो, ये बच्चे लोग ने देखो एक छोटा छोटा करके नाव करके ये पानी में नाव दे रहा है. तो ये आपका छोटा छोटा करके ये होता है फेस्टिवल्स ऑफ बोटिया बंदना. ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब लोग को क्लियर हो चुका है. तो अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सब लोग को क्लियर हो रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बोलिएगा क्लियर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. ठीक है, तो चलो फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर. 6 क्वेश्चन में क्या बोला है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. RBI authorized which bank recently to collect the direct taxes on the behalf of the Central Board of Direct Taxes. तो जिसमें शॉर्ट फॉर्म में CBDT इसको बोला जाती है. तो इसमें देखो चार ऑप्शन है क्या क्या. ऑप्शन ए में है यस बैंक, ऑप्शन बी में है RBL बैंक एंड ऑप्शन सी में है लक्ष्मी विलास बैंक एंड ऑप्शन डी में है फेडरल बैंक. तो इसमें आपको कौन सा सही आंसर लग रहा है आप लोग बोलने की कोशिश कीजिए. और जिन जिन को सही आंसर नहीं लग रहा है फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए, कोशिश ये जो जारी ये होना चाहिए. गलत होगा कोई भी इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अभी गलत होगा तो आप लोग को करेक्ट आंसर तो आपको जानकारी तो इसमें मिल जाएगा. तो आप लोग कोशिश करो मेन जब एग्जाम में आप लोग बैठने जाओगे एग्जाम देने के लिए तभी आंसर गलत नहीं हो. ठीक है,
ये आप लोग कोशिश करो। तो चलो इसका जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन बी होगा आपका आरबीएल बैंक। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आरबीएल बैंक होगा इसका करेक्ट आंसर। और इसके साथ साथ हम लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा हम लोग देख लेते। इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइज द आरबीएल बैंक टू कलेक्ट द डायरेक्ट टैक्सेस द बिहाफ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीबीडीटी बोला जाती है, बेस्ड ऑन अ रिकमेंडेशन ऑफ द कलेक्टर जनरल अकाउंट्स मिनिस्टर फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ द कलेक्टर्स आरबीएल बैंक कुड बी पे देयर डायरेक्ट टैक्सेस द आरबीएल बैंक्स मोबाइल बैंकिंग और द नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स ऑन थ्रू द ब्रांच बैंकिंग नेटवर्क्स। इस तरह से आपको मतलब जो मोदी ने डिजिटल इंडिया जो कॉन्सेप्ट लगा दिया है, तो लगाने के बाद जो ये अभी पूरा ऑनलाइन फैसिलिटी में हो चुका है, तो ये ऑनलाइन फैसिलिटी में सब कुछ करा जाए, तो इसलिए क्या करेगा डायरेक्ट टैक्सेस मतलब टैक्स कलेक्ट करेगा थ्रू द ऑनलाइन ऑफ बेनिफिट ऑफ बिहाफ दिस आरबीआई थ्रू आरबीएल बैंक। तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ साथ एक चीज, आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ था? आरबीआई नेशनलाइज हुआ था इन द ईयर ऑफ 1949, कब? ना 1 जनवरी। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान कर लिख लीजिए। और इसको तो पता है आप लोगों को, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन है ना, इसका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है, तो अभी लोग को सब लोग क्लियर हो चुका है, किसी को डाउट और दिक्कत नहीं है, तो फिर जरूर कमेंट करके बोलिएगा। ओके, और इसके साथ साथ ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हो, ये आरबीएल बैंक का लोगो है जो अपना रखा बैंक है, अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। 7 क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ 7 क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें बोला गया देखो, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवार्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज 2021 ऑफ एजुकेशन इनिशिएटिव। तो इसमें देखो चार ऑप्शन है, गुंज, सीड्स, गिव इंडिया एंड द पार्थम। तो इसमें कौन सा सही आंसर रहेगा आप लोग बोलने के लिए कोशिश कीजिए। जिसको गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कोशिश करो, गलत होना चाहिए, होने दो ना गलत, इसमें कोई इशू नहीं है, कोशिश करो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा, मैं ही बोल देता हूँ, इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, पार्थम इज आपका राइट एंड करेक्ट आंसर आएगा। तो इसके साथ साथ हम लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इसके साथ जो पढ़ना पड़ेगा तो देखो क्या बोला है, प्रथम एनजीओ हैज अवार्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021, इट्स द एक्सपेंडिंग द स्कोप फॉर एजुकेशन इन द इंडिया, इंस्पायरिंग द वर्क द मोर देन क्वार्टर आपका सेंचुरी इन इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड हैज एक्सेस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इट्स इनोवेटिव यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड डिलीवर एजुकेशन, its regular evaluation quality of education is timely response the making children learn and covid-19 restriction। मतलब covid-19 restrictions पे रहने के बाद होने के बाद ही फिर भी एजुकेशन को किस तरह से ले गया, किस तरह से एजुकेशन मतलब बच्चे लोगों को और भी गाइड किया, तो इसके ऊपर भी सब कुछ अच्छा करने से लिए इसको इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड 2021 दे गया था। ठीक है, एकदम, तो सभी लोगों को क्लियर हो चुका है। और इसके साथ साथ ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये आपका प्रथम का आपका पिक्चर है, और लोगों अभी एजुकेशन को इस तरह से ले गया है। क्लियर सब लोग को? अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन लेकर आज का क्लास का। क्वेश्चन कौन सा है ना, 8 नंबर क्वेश्चन, हु इज ऑथराइज्ड द न्यू बुक टाइटल इंडिया वर्स यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेडिक्टेड डिप्लोमेटिक विन। तो इसमें देखो चार ऑप्शन है क्या, सफी किदवाई, सुदीप मिश्रा, साहित अक्रबुद्दीन एंड विक्रम संपत। इसमें आपको कौन सा सही आंसर लग रहा है आपको देखकर बोल लीजिए। और जिन जिनको गेस हो रहा है हाँ सर ये दू क्या वो दू, आप लोग भी कोशिश कीजिए, देखो ना गेस क्या करेक्ट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अभी गेस करो, एग्जाम में मत करो क्योंकि निगेटिव मार्किंग हो सकती है। ठीक है, तो चलो इसका जो सही आंसर मैं आपको बोल देता हूँ, इसका जो सही आंसर आएगा आपका कौन सा ना, शायद अबरुबुद्दीन आपका होगा सही एंड करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन सी होगा इसका सही एंड करेक्ट आंसर। तो इसके साथ हम लोग और क्या इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए पढ़ना पड़ेगा, देखो द सीनियर डिप्लोमेट शायद अकबरुद्दीन द ऑथर द न्यू बुक टाइटल द इंडिया वर्स यूके द स्टोरी ऑफ एन द अनप्रेडिक्टेड डिप्लोमेटिक विन, दिस बुक फीचर्स द बिहाइंड द सीन्स द डील्स द इंडिया विक्ट्री अगेंस्ट द यूनाइटेड किंगडम इन द इलेक्शंस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे इन 2017। ये भी आप लोग को ये यार आपको देखना पड़ेगा, शायद अकबरुद्दीन इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूएन एट द टाइम present the behind the last scenes account the scenes coming India's the of age this world affairs through the prism of the momentous of education। किसका momentum of education पर ये काम करेगा। okay, एकदम सब लोग को क्लियर हो चुका है। और इसके साथ साथ ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये आपका बुक का पिक्चर जो शायद अब लोग लिखा है, देखो इंडिया वर्सेस यूके। ठीक है, तो एकदम सब लोग को क्लियर हो चुके हैं। तो आज का क्लास का जो पहला वाला सेशन ये खत्म हुआ, अभी हम लोग जाएंगे क्वेश्चन आंसर सेशन को लेकर। ठीक है, तो चलो हम लोग जाते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर। देखो ये जो होमवर्क था आपका 23 तारीख का क्लास का,
चारों क्वेश्चंस का हम आंसर आप लोग कोशिश करो सही आंसर देने के लिए, फटाफट आप लोग कोशिश करो। तो इसके साथ साथ मैं भी आप लोगों के साथ बोल देता हूँ इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा। तो सबसे पहले बोला विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्टेड टाइटल द सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका UNEP। ओके ओके ओके। नंबर टू में आएगा एज ऑफ नवंबर 2021 हाउ मेनी कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ द पावरिंग द पास्ट कोल अलायंस PPCA, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये होगा आपका 48। ओके okay? उसके बाद बोला विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड एंड अब स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स अलोंग विद द इंडियन एयरफोर्स IF, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका DRDO, जो DRDO एस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 1958 में। इज अ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछ सकती है, ठीक है। और आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है मतलाफी इज द ट्रेडिशनल प्लांट विच इज राइवल इक्वेफोरम इज द सीन इन विच कंट्री, ये होगा आपका कौन सा ना समोआ। ये जो समोआ जो कंट्री है ना, मतलब सुनकर लग रहा है समोसा समोसा लग रहा है, ये समोसा नहीं है समोआ है। ये आपका कौन सा कंटिनेंट का है, ये आपका ओशेनिया कंटिनेंट का है, कौन सा ओशेनिया। ओके ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को चारों आंसर मिल गया है क्या क्या राइट आंसर होगा, ठीक है एकदम क्लियर। तो सब लोग एक बार बोल देना जरूर। और इसके साथ साथ आज का क्लास का जो होमवर्क ये मैं दे दिया, ये जो चारों क्वेश्चंस, ये चारों क्वेश्चन हम लोग कल का क्लास जो 25 तारीख का जो क्लास होगा आपको नवंबर 25 तारीख को शाम 8 बजे, तो 8 बजे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है एकदम। तो चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है सब लोग टाटा बाय गुड नाइट। और आप एक बार कमेंट करके जरूर बोल दीजिएगा ये क्लास कैसा लगा, और मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ क्लास को अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर लाइक भी और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे इस क्लास के अंदर। चलो टाटा।